हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और फिलहाल आज गर्मी थोड़ी कम है, मौसम आज फिर बारिश हो गया ऐसा लग रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा किया है। और आज बनाने का है आलू चिप्स, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या कर रही है गायत्री। तो दोस्तों, अभी आलू चिप्स को सुखाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे काम थे। पतले पतले चिप्स बनाए गए, फिर उसको नमक हल्दी दे के फाफा गया, यानी कि उसको थोड़ा सा उबाला गया। उसके बाद धूप में सुखाया जा रहा है, फिर सूख जाने के बाद आलू चिप्स पूरा बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद आप फ्राई करें और टेस्टी टेस्टी खाएँ। तो सबसे पहले कुछ सुखा लेते हैं और कुछ गीले चिप्स का भी टेस्टिंग किया जाएगा कि कैसा टेस्ट लग रहा है। गायत्री इधर धूप में फैला रही है छत के ऊपर, साड़ी के ऊपर। टेस्टिंग आलू चिप्स आ चुका है और कैसा कुरकुरे है। इसमें थोड़ा सा काला नमक मैं मिक्स कर दिया हूँ। सूखने से पहले फ्राई हो गया है, इसलिए थोड़ा ढीला डाला है, फिर भी अच्छा है बैटर। अब इसको चावल के साथ भी खाएंगे हम लोग। दाल, बोदी का भुंजिया और चिप्स। से पहले उठाना पड़ेगा, देख रहे हैं तूफान स्टार्ट हो चुका है, बारिश होगी। और फिलहाल जाएंगे अब हम आम बेचने। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उधर उधर मुड़ाया। ऐसे ही ले जाएगी का, इधर से हम पकड़ देते हैं। चलो, आम का पेड़ है और इतने सारे आम खाने वाले हैं का। हाँ। सबका मुंह चल रहा है। हाँ तो सब इन लोग आम खा रहा है कि गिरा रहा है, देख रहे हैं ना, देख सकते हैं। धूप नहीं रहने के कारण रूम के अंदर ही सुखाना पड़ रहा है। क्या देखो, इसको एक एक करके छाट छाट के सुखा रही है। कच्चे खाएगी क्या? अरे सूख जाएगा। कल क्या करेंगे ना, सबको फ्राई करके एक दिन खा के खत्म करना। खा के खत्म कर सकेगी ना, लेकिन दूसरे लगेगा भात के साथ कुछ तो खाना बनाना ही है। सब कुछ क्या बनाना, कौन सी बनाएंगे? चलो आज आलू पराठा बना। उधर आलू सीज रहा है और इधर आटा गूंथ रही है, अभी बनेगा शानदार आलू पराठा। लाओ हमें छील देते हैं। अब आलू रेडी होगा फटाफट। धीरे धीरे देखे, हम देख रहे हैं ना, ज्यादा नहीं गिरेगा। अच्छा, क्या हम देख रहे हैं वही काफी। चल हो गया हो गया हो गया, चल हो गया। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इतना बस हो गया। नमक नहीं दिया, तो मेन चीज ही तो छोड़ दिया। तो ठीक, आज जो पराठा बन रहा है थोड़ा अलग ही तरह से बन रहा है। इसमें हम लोग आलू को फ्राई वगैरह नहीं कर रहे हैं, सारा जो इंग्रेडिएंट है मतलब मसाला वगैरह सब चीज़ यहीं पे मिक्स कर रहे हैं। ये है देसी स्टाइल में और न्यू टेक्निक, आजमा रहे हैं इसमें थोड़ा कैसा लगेगा वो भी आपको खाने के बाद बताएँगे इसका टेस्ट कैसा लगा। फिलहाल अभी वेट कीजिए, मसाला नीचे बैठा हुआ है, हाथ लगाना ही पड़ेगा।
नहीं हालांकि हाथ लगाएंगे लेकिन वीडियो बनाने हमको हंसी आ रहा सूख जाएगा फिर उसको हम पकाएंगे जल्दी हो जाएगा आलू पराठा मस्त इधर बन रहा है इधर एक बन चुका है और इधर बेला रहा है तो पूरा खाना बन के रेडी हो चुका है इधर है पराठा और आलू चटनी अलग से टोमेटो सॉस चिल्ली सॉस दाल और अब खाने का टेस्ट करते हैं खाने का मज़ा लेते हैं सबसे पहले चिल्ली सॉस के साथ थोड़ा तीखा हो जाए काफ़ी टेस्टी लग रहा है फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ